जय भोलेनाथ। नंदी बैल की कहानी। पवित्र बैल नंदी भगवान शिव का वाहन और द्वारपाल है। यही कारण है कि इसे शिव मंदिरों में मूर्ति के रूप में स्थापित किया गया है। पूज्य नंदी के कारण ही बैल को भगवान शिव का पवित्र वाहन माना गया है। कौन है नंदी बैल? नंदी बैल पौराणिक कथाओं में सबसे प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध पात्रों में से एक है। वायु पुराण के अनुसार नंदी कश्यप और सुरभि के पुत्र थे। संस्कृत में नंदी का अर्थ है खुश और हर्षित। इस श्रद्धेय आकृति को विभिन्न तरीकों से चित्रित किया गया है। नंदी का सबसे आम चित्रण हाथ जोड़कर बैठे हुए बैल का है। वह या तो काले या सफ़ेद रंग का है और एक घंटी के साथ एक हार पहनता है। अधिकांश चित्रणों में उन्हें भगवान शिव को ले जाते हुए दर्शाया गया है जो अपने घोड़े पर सवार हैं। नंदी के अन्य चित्रणों में उन्हें आधा मानव और आधा बैल के रूप में दिखाया गया है। उन्हें फूलों, मुकुट और मालाओं के साथ अलंकृत वस्त्र और आभूषणों से सजाया गया है। वह भक्तों को आशीर्वाद देते समय एक शंख, एक छड़ी और हिरण रखते हैं। नंदी का जन्म। कई वैदिक ग्रंथ बताते हैं कि नंदी की उत्पत्ति एक महान ऋषि शिलाद की अमर संतान पाने की इच्छा से हुई थी। ऐसी संतान पाने के लिए ऋषि ने बहुत तपस्या, प्रार्थना और घोर तपस्या की। तब देवताओं के राजा इंद्र उनके सामने प्रकट हुए और कहा कि वह शिलाद को वरदान देंगे, जिस पर ऋषि ने उत्तर दिया कि वह एक अमर और मजबूत बच्चे की तलाश में है जिसकी महानता एक किंवदंती होगी। इंद्र ने उन्हें सूचित किया कि केवल सबसे शक्तिशाली देवता भगवान शिव ही उनकी ऐसी इच्छा पूरी कर सकते हैं। तब शिलाद ने बड़ी भक्ति से शिव की पूजा की। भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए और उसे वरदान दिया। जब ऋषि ने यज्ञ अर्थात पवित्र अग्नि अनुष्ठान किया तो उसमें से दिव्य बालक प्रकट हुआ। देवताओं ने उस दिव्य बालक को आशीर्वाद दिया और सभी उसकी तेजस्वी चमक से आश्चर्यचकित हो गए। शिलाद ने बालक का नाम नंदी रखा। शिलाद नंदी को घर ले गए और उन्हें पढ़ाया। बहुत देखभाल, स्नेह और ज्ञान के साथ उनका पालन पोषण किया। 7 साल की उम्र तक नंदी सभी पवित्र ग्रंथों और पवित्र ग्रंथों में पारंगत हो गए। एक दिन भगवान वरुण और मित्र शिलाद को लंबी उम्र का आशीर्वाद देने पहुँचे। जब वे प्रसन्न नहीं दिखे तो शिलाद ने कारण पूछा और बताया गया कि नंदी की आयु लंबी नहीं होगी और 8 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब नंदी ने उससे पूछा कि मामला क्या है तो दुखी शिलाद ने भारी मन से यह खबर साझा की। नंदी अपने पिता का दर्द देख नहीं सके और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। शक्तिशाली देवता उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने नंदी को घंटी के साथ हार प्रदान किया जिससे वह आधे आदमी और आधे बैल में बदल गए। उन्होंने युवा नंदी को अमरता का सम्मान दिया और उन्हें गणों का वाहन और प्रमुख बना दिया। शिलाद और नंदी फिर भगवान शिव के निवास पर चले गए और अनंत काल तक वही रहे। नंदी और पार्वती का श्राप। एक और कहानी है जो नंदी के इर्द गिर्द घूमती है। वह यह है कि भगवान शिव और देवी पार्वती पास्य का खेल खेल रहे थे जहां वफादार नंदी अंपायर थे। भगवान शिव के प्रति पक्षपाती उन्होंने आदेश दिया कि देवी की जीत हुई है, भले ही देवी स्पष्ट विजेता थी। क्रोधित होकर पार्वती ने उन्हें श्राप दे दिया। नंदी ने यह कहते हुए श्राप से मुक्ति मांगी कि उनके कार्य भगवान के प्रति समर्पण से उत्पन्न हुए हैं। तब पार्वती ने कहा कि यदि नंदी उनके पुत्र भगवान गणेश की पूजा करें तो उन्हें श्राप से मुक्ति मिल सकती है। नंदी को बताया गया कि अगर वह भगवान गणेश को उनकी पसंदीदा वस्तुएं अर्पित करेंगे और उनके जन्मदिन पर देवता का सम्मान करेंगे तो वह श्राप से मुक्त हो जाएंगे। पवित्र हिंदू महापाद चतुर्थी के दिन नंदी ने भगवान गणेश की पूजा की और इन्हें तपस्या के रूप में हरी घास अर्पित की। भगवान शिव के लिए नंदी का बलिदान। एक अन्य कहानी एक प्राचीन कथा बताती है कि कैसे सागर मंथन या महान महासागर के मंथन के दौरान सांप राजा वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया था। सर्प राजा ने जहर उगल दिया और इससे सभी को नुकसान न पहुँचे इसलिए भगवान शिव ने जहर पी लिया। इसमें से कुछ बाहर निकल गया जबकि भगवान शिव का गला नीला हो गया
अपने स्वामी और समस्त जीवन को बचाने के लिए नंदी ने गिरा हुआ जहर पी लिया। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए नंदी जहर से बच गए और यहाँ तक कि देवता और असुर राक्षस भी उनकी विशाल शक्ति और भगवान शिव की सुरक्षा से आश्चर्यचकित थे। भगवान शिव के प्रति नंदी की भक्ति और समर्पण की वजह से ही इन दोनों का साथ इतना मजबूत माना जाता है कि कलयुग में भी भगवान शिव के साथ नंदी की पूजा की जाती है। हर शिव मंदिर में नंदी के दर्शन पहले होते हैं और फिर भगवान शिव के दर्शन मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।